तो यार आज गाइस फिर से हम सब लोग इंडियन मैक्स ट्रांजिटी गेम के कुछ मिथ वर्सेस को फिर से कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो यार अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना। तो यार सबसे पहले मिथ में यही भाई बोल रहे हैं कि टैंक के पीछे उसका चीट कोड नंबर लिखा हुआ होता है। अच्छा भाई यार मुझे तो इसकी बात का पता ही नहीं था। चलो फटाफट से अपनी सेल फोन निकालते हैं एंड अपने टैंक को मंगा लेते हैं 4040 चीट कोड डायल करके एंड देखते हैं उसके पीछे यहाँ पर होता है चीट कोड इसका लिखा हुआ या फिर नहीं। यहाँ पर मैंने चीट कोड नंबर मिला के यहाँ पर टैंक को मंगा लिया। अब चलो इसके पीछे देखते हैं क्या इसका चीट कोड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ था या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो टैंक के पीछे थोड़े बहुत नंबर तो लिखे हुए हैं। अब देखते हैं क्या ये इसका चीट कोड नंबर यहाँ पर देख सकते हो। यार यहाँ पर 405 लिखा हुआ है और RQ लिखा हुआ है। दूसरी साइड इसका उल्टा ही लिखा हुआ है। इसका चीट कोड नंबर यार टैंक के पीछे तो नहीं लिखा हुआ है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टैंक के पीछे इसका चीट कोड नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो यार हम सब लोग यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा बस्टेड होता है। मिथ, अगर आप बाथरूम के बाथ टब पर चलोगे तो आप पानी के ऊपर खड़े हो जाओगे। तो यार यहाँ पर मैं अपनी छत पर आ चुका हूँ। छत पर तो नहीं मतलब कि अपने ऊपर वाली जगह पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर हमारा बाथरूम आ गई। ये तो चलो देखते हैं यार क्या हम बाथ टब के ऊपर चल सकते हैं, मतलब कि अपने पानी के ऊपर चल सकते हैं। यहाँ पर चलो मैं अपने बाथ टब के ऊपर जाता हूँ एंड भाई साहब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं तो सच्ची में यार यहाँ पर पानी के ऊपर खड़ा हूँ। यार आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो तो हम अपने बाथ टब के पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो ये वाला मिथ हमारा यहाँ पर कंफर्म होता है। तो यार अगले में ये बोल रहे हैं तुम जो मैं ट्राई करते हो तुम मर जाते हो, इसलिए ये चीट को डाल के ट्राई करा करो 9129। ओ यार ये मेरा स्वीट सा भाई, इनको हमारी बहुत ज्यादा यार परवाह हो रही है। तो चलो फटाफट से हम लोग यार अपनी सेलफोन निकाल के इस चीट को नंबर को डायल करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। 9129 डायल करने पर तो यहाँ पर मैंने चीट कोड नंबर डायल कर लिया। यहाँ पर मेरे को इन्फिनिटी हेल्थ मिल चुकी है। तो यार इस भाई ने जो मिथ बोला था, मतलब कि चीट कोड बोला था, वो बहुत ही स्वीट था। तो ये मिथ कंफर्म होता है। मिथ, टैंक के टायर की चेन नहीं घूमती है। तो यार दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर टैंक को मंगा लिया। अब चलो हम लोग टैंक को ड्राइव करके देखते हैं फिर देखते हैं इसके टायर वाली जो चेन होती है वो घूमती है या फिर यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो मैं टैंक को चला रहा हूँ और हमारे टैंक के टायर यहाँ पर घूम रहे हैं। पर यार आप लोग यहाँ पर एक चीज नोट करो, इसकी चेन यहाँ पर हम लोग को घूमती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग इधर से भी देख सकते हो और मैं आप सब लोग को फर्स्ट पर्सन व्यू से भी दिखाता हूँ। यार यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो इसकी जो चेन है टायर वाली वो थोड़ी बहुत घूम रही है। आप सब लोग यहाँ पर देख, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी खासी घूम रही है। तो यार ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा बस्टेड होता है। तो यार अगले महीने दो दो मिथ दिए, हम पीछे वाले गैराज में टैंक को भी पार्क कर सकते हैं। दूसरा मिथ भी हम बाद में ट्राई करेंगे, सबसे पहले ये ट्राई करके देखते हैं भाई साहब हम लोग पीछे वाले गैराज के अंदर टैंक को भी पार्क करके देख सकते हैं, मतलब कि पार्क कर सकते हैं टैंक को। तो यहाँ पर मैंने 4040 मिलाकर टैंक को मंगा लिया एंड टैंक के अंदर बैठ चुका हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या ये पीछे वाले गैराज के अंदर यहाँ पर पार्क होता है हमारे घर के अंदर या फिर नहीं। जो घर के अंदर पीछे गैराज है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर अपने टैंक को ले जा रहे हैं। भाई साहब अगर पार्क हो गया तो भाई साहब क्या बढ़िया बात हो जाएगी भाई, इतना बड़ा टैंक हमारे गैराज के अंदर पार्क हो जाएगा एंड यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो सच्ची में यार यहाँ पर टैंक हमारे गैराज के अंदर यहाँ पर पार्क हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे भाई का फर्स्ट वाला मिथ यहाँ पर कंफर्म होता है। यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा टैंक भाई साहब इधर अंदर पार्क हो चुका है। मुझे यहाँ पर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा टैंक हमारे घर के पीछे वाले गैराज के अंदर यार यहाँ पर पार्क हो चुका है। तो चलो हम लोग भाई का दूसरा मिथ ट्राई करते हैं। हम हेलीकॉप्टर का रंग मतलब की कलर बदल नहीं सकते हैं। अच्छा यार क्या बात करो, चलो फटाफट से यहाँ पर मैंने अपनी सेलफोन निकाल लिया। यहाँ पर मैंने 8000 यहाँ पर हेलीकॉप्टर का चीट कोड नंबर डायल कर लिया। यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका है। अब देखते हैं यार क्या हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपनी गैलरी खोल ली है एंड भाई साहब यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो हम हेलीकॉप्टर का यहाँ पर कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे भाई के दोनों जो मिथ थे वो यहाँ पर हमारे कन्फर्म होते हैं। यार आप सब लोग देख सकते हो हम लोग हेलीकॉप्टर का यहाँ पर कलर चेंज नहीं कर सकते अपनी इंडियन मैक्स ट्रांजिटी गेम के अंदर। भाई ने जो दोनों मिथ दिए थे भाई साहब दोनों ही उनके सही हुए हैं। तो दोनों मिथ इनके कन्फर्म होते हैं। मिथ, KTM स्प्लेंडर अपाची और कोबरा बाइक का कलर चेंज नहीं होता है। ओ भाई साहब ये तो चारों तकरीबन मेरी फेवरेट बाइक्स का आप लोगों ने नाम बता दिया एंड इनका कलर चेंज नहीं होता। भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार। चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पर चारों बाइक्स को मंगाते हैं, देखते हैं इनका कलर चेंज यहाँ पर होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1210 डायल करके यहाँ पर अपनी KTM बाइक को मंगा लिया। यहाँ पर 9000 डायल करके यहाँ पर मैंने अपनी स्प्लेंडर बाइक को यहाँ पर मंगा लिया। अब देखते हैं इनके कलर चेंज होते हैं या फिर नहीं। दूसरी कौन सी बोली थी, अपाची बाइक। तो यहाँ पर अपाची बाइक का जो चीट कोड नंबर है वो है 4050। तो यहाँ पर हमारी अपाची बाइक भी आ चुकी है एंड नेक्स्ट ट्रिप 4x4 मतलब कि कोबरा बाइक का चीट कोड नंबर है 4x4। तो यहाँ पर हमारी चारों की चारों बाइक्स आ चुकी हैं। अब देखते हैं क्या इनका कलर चेंज होता है या फिर नहीं। KTM तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, अब देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या फिर नहीं। तो गैलरी के ऑप्शन पर आ चुका हूं। यहाँ पर आप सब लोग देखो KTM का कलर चेंज नहीं हो रहा है एंड यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में चला गया एंड यहाँ पर इन दोनों का भी कलर चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर हम सब लोग देखते हैं कोबरा बाइक का कलर चेंज होता है या फिर नहीं। अपाची बाइक का तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप सब लोग देख सो कोबरा बाइक का भी कलर चेंज कर
करने जा रहा हूँ, पर कोबरा बाइक का भी यहाँ पर कलर चेंज नहीं हो रहा है यार। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम इन चारों बाइक्स का अपनी इंडियन मैक्स ट्रांजिट गेम के अंदर कलर चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो, उस भाई ने जो मिथ दिया था उनका यहाँ पर ये वाला मिथ यहाँ पर कंफर्म होता है यार। बाकी आप सब लोग ये बताना कि आप सब लोग इन चारों में से फेवरेट बाइक कौन सी है। मिथ भाई, अगर हम स्टिकी मैन बनते हैं और डायनासोर को स्पॉन करके उसके ऊपर बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। अच्छा यार भाई, ये तो मुझे सच्ची में नहीं पता है, सच्ची में मुझे नहीं पता है, प्रॉमिस करता हूँ मुझे नहीं पता है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर मैं इन्फिनिटी हेल्थ लगा के यहाँ पर मैं फटाफट से बिना कोई देरी के यहाँ पर झट से फटो के स्टिकी मैन बन जाता हूँ। तो यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्टिकी मैन बन चुका हूँ। एंड यहाँ पर अब हम लोग अपने वेलोसिरेप्टर डायनासोर को यहाँ पर स्पॉन कर लेते हैं 5050 चीट कोड नंबर डायल कर। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिरेप्टर डायनासोर आ चुका है। चलो इसके हम ऊपर बैठ के देखते हैं कि हमारा ये ऑटोमेटिकली डायनासोर चलता है या फिर नहीं। तो मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ भाई साहब स्टिकी मैन बनकर। एंड यहाँ पर ये क्या है भाई साहब, यहाँ पर तो ये हिल तक नहीं रहा है भाई हमारा वेलोसिरेप्टर डायनासोर। मैं इसको खुद चला रहा हूँ, फ्री है चल रहा है, पर यार ऐसे तो ये हिल ही नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अपडेट के पहले वर्क करता था, पर मरीनियन बाइक स्ट्रीम का जो हाल ही में अपडेट आया उसके अंदर यहाँ पर मेरे ख्याल से अब नहीं करता है। रोहित भाई ने शायद फिक्स कर दिया होगा। क्या इस भाई ने जो बोला था वो मिथ यहाँ पर हमारा बस्टेड होता है। मिथ, अगर आप 12 और 10 वाली केटीएम बाइक को ब्लास्ट करें तो उसका टायर का कलर चेंज नहीं होता है और सारी की सारी गाड़ी ब्लैक हो जाती है। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अपनी केटीएम बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ, जैसे कि उस भाई ने हमको चीट कोड बताया 1210। तो यहाँ पर मैंने डायल कर लिया एंड यहाँ पर हमारी केटीएम बाइक यहाँ पर आ चुकी है। भाई साहब क्या ही बढ़िया लग रही है, इसके टायर तो और भी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। चलो मैं इसको आरपीजी से यहाँ पर ब्लास्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो हमारी पूरी केटीएम ब्लास्ट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके टायर का तो कलर वैसे का वैसे ही जैसे पहले था, पर पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पर ब्लैक हो चुकी है। इसके टायर को तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी ब्लैक ब्लास्ट हो चुकी है पर इसके टायर को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर यार हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है यार। तो यार अगले में ये बोल रहे हैं आप स्विमिंग वाला ग्लिच करके वेपन से या फिर कोई भी फोन का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो क्लिक नहीं होगा। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं अपनी ZX9R बाइक को लेकर यहाँ पर छोटे से स्विमिंग पूल पर आ चुका हूँ, मतलब कि जो हमारे ट्रेन के बाजू में ही है, मतलब जुरासिक पार्क के बाजू में। तो यहाँ पर मैं फटाफट से यहाँ पर स्विमिंग ग्लिच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी से उतर चुका हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत तैरना है तो यहाँ पर मैं तैर चुका हूँ। चलो फटाफट से मैं अपनी बाइक के अंदर बैठ के स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाता हूँ, मतलब कि इस पानी वाले एरिया से निकल जाता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुक्का लिखा हुआ है, मतलब कि मुक्का आप सब लोग यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा स्विमिंग वाला ग्लिच काम कर गया है। तो यहाँ पर हम अपनी बाइक से उतरते हैं, देखते हैं कि हम अपने वेपन वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बाइक से उतर चुका हूँ। अब यार मैं यहाँ पर अपने वेपन वाले आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक तो हो रहा है पर यहाँ पर खुल नहीं रहे, मतलब कि 0.01 सेकंड तक खुल रहे हैं। और मैं अपनी फोन पर भी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड फोन का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं खुल रहा है। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग कोई भी वेपन या फिर फोन को हम सब लोग नहीं ले सकते स्विमिंग वाला ग्लिच करने के बाद। तो यार इस भाई का ये मिथ बहुत ज्यादा बढ़िया था, तो ये वाला मिथ भी यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है। तो यार नेक्स्ट में इन्होंने बोला है हॉर्स और डायनो का कलर चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा यार, तो चलो यार हम लोग यहाँ पर अपने हॉर्स को और अपने वेलोसिरेप्टर डायनासोर को यहाँ पर स्पॉन करते हैं, फिर देखते हैं उनका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेलफोन निकाली एंड यहाँ पर मैंने 2000 डायल करके अपने हॉर्स को मंगा लिया एंड 5050 चीट कोड नंबर डायल करके यहाँ पर मैंने अपने वेलोसिरेप्टर को मंगा लिया। अरे भाई साहब कहाँ चला गया, मेरी सेलफोन ही नहीं खुल रही, वेलोसिरेप्टर कैसे आएगा। तो यहाँ पर हमारा वेलोसिरेप्टर डायनासोर आ चुका है। तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोग अपने वेलोसिरेप्टर डायनासोर का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं गैलरी के ऑप्शन पर आ गया एंड यहाँ पर तो हमारे डायनासोर का कलर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे ही कपड़े चेंज हो रहे हैं, मतलब कि हमारा ही हुलिया चेंज हो रहा है, बाकी हम लोग वेलोसिरेप्टर डायनासोर का कलर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं हॉर्स की गैलरी पर आ गया एंड हॉर्स का भी हम लोग यहाँ पर कलर चेंज नहीं कर सकते, मेरे ही कपड़े चेंज हो रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है यार। मिथ, रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड छत पर लटकता है जिस पे नंबर लिखे होते हैं इन इंडियन बाइक स्ट्रेटजी गेम के अंदर। तो यार यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ एंड यार मेरी यहाँ पर बाइक पता नहीं खुद ब खुद यार ओवर कंट्रोल हो जाती है, पता नहीं कौन सी जुल मची होती है। तो यहाँ पर यार मैं रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से नंबर यहाँ पर लटके हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, अपनी बाइक से उतर चुका हूँ। अब देखते हैं कौन से नंबर जो छत पर लटके हुए होते हैं, मेरे ख्याल से भाई इसी की ही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कोई नंबर लटका हुआ है। अरे हाँ भाई यार, आप लोग यहाँ पर देखते हो इसके ऊपर प्लेटफॉर्म 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आम से लिखा होता है, रियल लाइफ के अंदर भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होता है, मतलब कि प्लेटफॉर्म ये कौन सा है, दूसरा है, पहला है। यहाँ पर मैं दूसरे स्टेशन के बाजू में आ चुका हूँ। अब देखते हैं क्या इसके ऊपर भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर भी प्लेटफॉर्म 1 लिखा हुआ है। तो यार यहाँ पर भी हम सब लोग बोल सकते हैं कि ये वाला मिथ भी यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है। यार अगले मिथ में ये भाई बोल रहे हैं कि स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक ब्लास्ट नहीं होती, सिर्फ उसमें फायर ही निकलता है, मतलब कि उसमें सिर्फ आग ही लगती है। अच्छा यार, तो चलो फटाफट से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो S11 को यहाँ पर स्पॉन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3x3 डायल करके यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को मंगा लिया एंड यहाँ पर मैंने 3x4 डायल करके यहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो S11 को मंगा लिया। अब देखते हैं इनको फायर करके यहाँ पर, मतलब ब्लास्ट करके इनके से क्या निकलता है। यहाँ पर मैंने इन दोनों को यार यहाँ पर फायर तो कर दिया, मतलब कि ब्लास्ट कर दिया, पर ये तो ब्लास्ट नहीं हुई, इनमें से सच्ची में फायर निकल रहे देख सकते हो। और स्कॉर्पियो क्लासिक को तो कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप सब लोग इसके कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, काफी सारे कलर आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। ये तो ब्लास्ट नहीं हुई भाई, इससे भी फायर निकल रहा है एंड स्कॉर्पियो S11 से भी फायर निकल रहा है, इसके भी यहाँ पर बस दरवाजे ही टूटे हैं। आप सब लोग इसका भी यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो अपनी इंडियन मैक्स ट्रांजिट गेम के अंदर। तो ये वाला मिथ भी यहाँ पर हमारा कंफर्म हो
होता है यार दोस्तों यहाँ पर। तो यार दोस्तों यही थे कुछ हमारी इंडियन मैक्स ट्रांजिटी गेम के मिथ जो कि आप सब लोगों ने कमेंट किए थे और मैंने ट्राई किए, उसमें से कुछ मिथ बस्ट हुए और कुछ मिथ कंफर्म भी हुए। अगर आप सब लोग के पास भी कोई मिथ हो तो आप सब लोग इसी वीडियो के नीचे उन अपने मिथ्स को कमेंट कर सकते हो। बाकी यही तक थी हमारी वीडियो, आई होप यार आप सब लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप सब लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करने से कर लेना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सब लोग को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।